दोस्तों वेलकम टू माय चैनल जियो साइंस टेक्निकल। आज हम गूगल अर्थ पे ऑटोकैड से फाइल को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे। ऑटोकैड सिविल 3D की अगर कोई फाइल है उसको गूगल अर्थ पे कैसे ले जाके उसकी पोजीशन को कैसे देखा जा सकता है, ये जानने के लिए कि वहाँ विलेज एरिया है, सिटी एरिया है या एग्रीकल्चर लैंड है, उसको आसपास का एरिया क्या लोकेशन आ रही है उसको जानने के लिए अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है और या हमारा पूरा प्लान प्रिपेयर्ड है ऑटोकैड में, तो उसे गूगल अर्थ पे ले जाके चेक किया जा सकता है। इसी के बारे में आज जानकारी लेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता दूँ कि गूगल अर्थ पे ये जो मैं हमारी स्लाइड में देख रहे हैं जो 42, 43, 44 और ये जो ग्रिड बता रहा है, ग्रिड के अंदर आर लिखा हुआ है, ये इसको जोन में डिवाइड किया हुआ है। गूगल अर्थ को हर एरिया को इस तरह के जोन में डिवाइड किया हुआ है। 43R, ये जोन 43R कहलाएगा। तो इस तरह से अपने हर एरिया को मतलब ब्लॉक ग्रिड पैटर्न में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया हुआ है, उसमें ये 43, 44 ये सब जोन कहलाते हैं। दूसरा हमारा एक इन्फॉर्मेशन इसमें इम्पोर्टेंट काम आएगी, WGS 84, ये डेटम है जो डेटम 1984 में वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम डिसाइड किया गया था, उसको पूरे वर्ल्ड को एक सिस्टम में डिसाइड किया हुआ है जिसको वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम कहते हैं। तो उसको डेटम हम डेटम बोल सकते हैं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आगे हमारे इस वीडियो में काम आने वाली है। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारा ये कोई एक प्रोजेक्ट है या कोई प्लांट लग रहा है या कोई फैक्ट्री लगने वाली है या कोई हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसे हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये हमारे ऑटोकैड में हमें इसके कोऑर्डिनेट्स और पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन अब ये गूगल पे हम देखना चाहते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट कहाँ जाके लोकेट होता है, वहाँ का आसपास का लोकेशन क्या आ रही है, एग्रीकल्चर लैंड क्या कितनी आ रही है, विलेजेज एरिया कितना आ रहा है या टाउनशिप अगर है तो कोई टाउनशिप है तो कितनी आ रही है, तो इसे हम गूगल पे डायरेक्ट एक्सपोर्ट कैसे करें उसको आज समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हमको इसके लिए पहला हमारा स्टेप रहेगा, तो दोस्तों इसके लिए हमारा पहला स्टेप रहेगा सिविल 3D जहाँ ये लिखा हुआ है सेटिंग, सिविल 3D सेटिंग लिखा हुआ है यहाँ, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। सिविल 3D में ये विंडो ओपन, ये ऑप्शन ओपन होगा जहाँ लिखा हुआ है ड्राइंग सेटिंग पे क्लिक करेंगे। ड्राइंग सेटिंग में क्लिक करने पे हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगा, ड्राइंग सेटिंग डेस्कटॉप ये विंडो ओपन होगा। इसमें हम देखेंगे यहाँ ऑप्शन दे रहा है ये UTM WGS डेटम, यहाँ से सिलेक्ट करना है हमको। ये जो 84 बात हुई WGS 84 डेटम उसे ऑटोकैड में सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, और अवेलेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें जोन सिलेक्ट करना है। तो जोन मान लीजिए मैंने आपको पहले वर्ड नॉर्थ, तो यहाँ हम 43 नॉर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हमारी ये सिलेक्ट करने के बाद हम इसे सिलेक्ट करके ओके कर देंगे और वापस हमारी प्रोजेक्ट हमारा जो हमारी जो विंडो है उसमें आ जाएंगे। अब इस विंडो पे हम पहला कमांड हमारा जो लगाएंगे जो एक्सपोर्ट का कमांड है, एक्सपोर्ट KML टाइप करेंगे। एक्सपोर्ट लिखने पर ही हमारा कमांड एक्टिव हो जाता है और यहाँ पे ये ऑप्शन देना शुरू कर देता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है एक्सपोर्ट KML, पहला ऑप्शन ही है हमारा एक्सपोर्ट KML। तो एक्सपोर्ट KML पे क्लिक कर देंगे, एक्सपोर्ट KML क्लिक करने पे हमारा कमांड एक्टिव हो जाएगा और ये विंडो ओपन होगी। पहली फर्स्ट विंडो में ये ऑप्शन पूछेगा कि फाइल का नाम क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम फाइल का नाम दे देंगे, फाइल का नेम टाइप करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते ही ये विंडो ओपन होगी, उसमें यहाँ पे हमें ये पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे टिक करेंगे और ये जो पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट पे टिक करने पर ये हमें ऑब्जेक्ट पे लेके जाएगा
पॉइंट पे टिक करके नेक्स्ट करेंगे तो ये हमें हमारे ऑब्जेक्ट पे लेके जाएगा जिसे हमें एक्सपोर्ट करना है। एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट को सारे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने पर ये उसे सिलेक्ट कर लेगा। तो 1, 2, 3, 4 ऑब्जेक्ट है, तो 4 ऑब्जेक्ट को बारी वन बाय वन हम क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होने पर ओके करेंगे तो नेक्स्ट विंडो ओपन होगा जिसमें ये बता रहा है हमें 4 ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किए, तो ये बता रहा है हमारे 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। और यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने पे ये इन्फॉर्मेशन दे दिया है इसने हमें कि आपकी जो ड्राइंग आपने सेलेक्ट किया वो WGS 1984 डेटम और जोन 43 नॉर्थ है। इसने बता इन्फॉर्मेशन दिया है हमें, और ये विंडो को नेक्स्ट करने पे ये हमारी फाइल एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और देगा जहाँ ये पूछेगा कि ड्रैप, यहाँ हमें क्लिक करना है ड्रैप ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड। हमारी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड गूगल अर्थ के ग्राउंड पे ड्रैप करना चाहते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने पर ये फाइल की लोकेशन पूछेगा कि कहाँ सेलेक्ट कर, कहाँ पर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। यहाँ से हम डेस्कटॉप या जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन दे देंगे, देन एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने पर ये अपनी लोकेशन अगेन बता देगा कि यहाँ आपकी फ़ाइल सेव हो रही है। अगेन यहाँ पे फाइल का नाम अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, और KML इसका एक्सटेंशन ले लेंगे और फाइल सेव कर सकते हैं। अगर इससे पहले आप डायरेक्ट व्यू देखना चाहें तो ये यहाँ पर जब हमने नेक्स्ट किया था, एक्सपोर्ट किया था, तो एक्सपोर्ट करते ही ये पहला इससे पहले इसने ऑप्शन दिया था हमें ये व्यू का, यहाँ पे इसने ऑप्शन देता है एक व्यू का। अगर व्यू को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ही गूगल पे हमें ले जाके अपने फाइल का व्यू दिखा देता है। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट हम जो ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट के बेस पे हमने बनाया था उसे इसने गूगल पे ड्रैप किया है। तो इसके बेस पे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट लगेगा या जो भी हमने फाइल बनाई है वो कहाँ जाके लोकेट हो रही है, कितना टाउनशिप एरिया है, कितना एग्रीकल्चर लैंड है, और कहाँ हमारी फाइल लोकेट हो रही है। ये पूरी वीडियो आज की हमारी हमने बनाई है गूगल अर्थ पे, किस तरह से हम ऑटोकैड की फ़ाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हमारी ऑटोकैड की फ़ाइल को गूगल अर्थ पे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय।